नमस्कार प्रिय साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमारे चैनल एस्ट्रो अभी चतुर्वेदी में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक चौबे आज आप लोगों को बताने वाला हूँ 2022 में 13 अप्रैल के बाद देव गुरु बृहस्पति का कुंभ राशि से अपने स्वयं की राशि मीन राशि में जाना किन राशियों के लिए विवाह का ही बहुत प्रबल योग बन रहा है, बशर्ते उन राशियों की कुंडली में कोई दोष नहीं होता। अगर दोष होगा तो जाहिर सी बात है विवाह विलम्ब होगा, क्योंकि देखो गोचर के अनुसार मतलब ये क्लियर नहीं किया जा सकता है कि इतने में आपकी शादी होगी। अगर सटीक जानकारी चाहते हैं तो कुंडली के अनुसार पता लगेगा। कुंडली में महादशा, अंतरशा, प्रत्यंतरशा, सूक्ष्म अंतरशा है, देखी जाएंगी कौन से ग्रह की अंतरशा चल रही है, कौन से ग्रह की प्रत्यंतरशा चल रही है, उसके अनुसार आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। और आपकी कुंडली में अगर दोष नहीं है, दोष हम कई बार आपको इसके पहले भी वीडियो बना चुके हैं उसमें बताए हैं, ये हम आज जो जानकारी देंगे वो आपको चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देंगे। चंद्र राशि आप सभी को पता है मून साइन वह होता है जैसे कि आपके कुंडली में जो जन्मांक होता है, जन्मांक चक्र रहता है उसमें जिस अंक में चाक्षर बना हो वही आपकी राशि होती है। एक मतलब एक अंक में अगर चाक्षर बना है तो आपकी मेष राशि, दो में तो वृषभ राशि है, ठीक है ना। उसी प्रकार आप देख लीजिए जिस अंक में बैठा हो वही आपकी राशि होती है। आप हम आपको बताने वाले हैं आपकी कुंडलियों में दोष क्या होता है जिसके चलते विवाह विलम्ब होता है। देखिएगा हमने बहुत सारे दोष बताए हैं इसके पहले भी, लेकिन आज हम एक आपको ऐसा गुप्त दोष बता रहे हैं कुंडली में जो आपको कोई व्यक्ति नहीं बताएगा और ना बताया होगा। रवि ग्रह मतलब सूर्य ग्रह इसे बोला जाता है। देव गुरु बृहस्पति का जो मतलब बृहस्पति गुरु ग्रह जो है बृहस्पति से कहा जाए, बृहस्पति आमने सामने हो रवि के, ठीक है, सूर्य ग्रह के, या फिर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि अगर सूर्य ग्रह पर पड़ रही तो आपके विवाह में विलम्ब होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिएगा एक खुद का प्रैक्टिकल बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डेली 70% इस विषय की कॉल आते रहते हैं। वैसे तो हम पूरी कुंडली का सटीक तरीके से विश्लेषण करके और सबसे सरल तरीके से आप लोगों को उपाय भी बताते हैं और आप लोगों के वर्क होते हैं, ये फीडबैक में आप ही लोग मुझे बताते हैं, ठीक है ना। हमारा एक सिद्धांत रहता है, जो व्यक्ति हमसे कुंडली दिखवाता है हम उनसे बोल देते हैं आपका काम जब हो जाए तो आप मुझे मैसेज जरूर डाल देना समथिंग। ऐसे में आप लोगों को कई फीडबैक दिखा सकता हूँ जिन लोगों के वर्क हुए हैं, हमने कहा है इस टाइम में आपके साथ ये होगा वही वही स्थिति हुई है। अपनी पढ़ाई अपने आप नहीं करना चाहिए, मैं इस बात को भली बात जानता हूँ, लेकिन देखो आजकल आप सब जानते हैं कि जो व्यक्ति मतलब कि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा कोई ज़्यादा एज भी नहीं है समथिंग, बहुत लोग ये बोलते हैं गुरु जी आप भी बहुत कम एज, इतनी कम एज में ऐसा करना, ये मैं खुद नहीं जानता हूँ, ये सब ईश्वर की कृपा है और उन्हीं की कृपा से जो बताते हैं वो वर्क होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी अगर अपनी लाइफ में ऐसा कुछ बनना चाहें, ऐसा कुछ करना चाहें, अगर आप ज्योतिष भी सीखना चाहें तो हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि आप अपने इष्ट को मजबूत कीजिए। आप अपने इष्ट का जितना पूजा पाठ करेंगे, जितना जाप करेंगे उतना वो मजबूत होंगे तो आप कुछ भी चीज़ प्राप्त कर सकते हो, जो चीज़ बोलोगे सामने वाले के साथ वही स्थिति हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग अपनी कुंडली का सटीक तरीके से विश्लेषण करवाना चाहें तब आप हमसे पर्सनल संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो लव लाइफ, मैरिड लाइफ, बिजनेस, जॉब, सेहत, करियर और सेहत के बारे में कोई सवाल हो आप लोग हमसे पर्सनल संपर्क कर सकते हो, ठीक है। नंबर हमारा आपके सामने चल रहा है, उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं 2022 में कौन सी राशियां हैं जिनके विवाह का बहुत प्रबल योग बन रहा है। आपने अभी तक कई ज्योतिषियों से अपनी कुंडली दिखवा ली है, बहुत सारे ज्योतिषियों ने तो ये लिखा है कि दो दिन में एक घंटे में विवाह का कॉल आएगा, ना कहीं बात चल रही है ना कुछ हो रहा है, एक घंटे में विवाह का कॉल आएगा कहाँ से आ जाएगा, वो जाने भैया वो कौन सी विद्या जानते हैं, और उनकी विद्या पे कई बार हमने कई लोगों को दिखवाया भी है विद्या, इसका मतलब इनने जो बताया वो प्रयोग करके देख लो कुछ नहीं होता है। ऐसे लोग आजकल फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, वो लोग क्यों कर रहे हैं, अपनी TRP बढ़ाने के लिए, अपनी व्यूज बढ़ाने के लिए, YouTube से पैसे कमा रहे हैं वो, उन लोगों ने धंधा बना रखा है, ठीक है ना। तो हमारा ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, हम आपको भटकाने नहीं आए, हम आपको सटीक जानकारी देने आए हैं। देखिएगा देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी मीन राशि में आ रहे हैं, जाहिर सी बात है मीन राशि में आना लड़कियों के विवाह का ही बहुत प्रबल योग बना रहे हैं मीन राशि वालों के लिए। अगर आप लड़के हैं तो आपके लिए भी हम ये आपको उपाय बताएंगे, साथ ही आपको योग बताएंगे कब बन रहे हैं आपकी कुंडली में, ठीक है। आप पहले देख लीजिए आपकी कुंडली में जन्म मांक जो चक्र होता है उसमें 12वें स्थान में चाक्षर बना है,
आप देख लीजिए आराम से, अगर बना है तो आपके 2022 में 13 अप्रैल के बाद गोचर के अनुसार विवाह का योग बन रहा है, बशर्ते पुनः कहेंगे आपके कुंडली में कोई दोष नहीं होना चाहिए। दोष होगा तो फिर वो मुश्किल है विवाह में, आपके लेट हो पाएगी कोई दिक्कत नहीं। शनि आपके सप्तमी से होंगे या शनि की दृष्टि पड़ रही हो तब भी ये विलंब करवाएंगे। ये हो गया, ऐसा नहीं कि लड़कों का भी नहीं हो, ये हम लड़कियों के मतलब लड़कियों की भी अगर मीन राशि हो या लड़कों की दोनों लोग देख सकते हैं। सेकंड राशि की अगर हम बात करें, सेकंड राशि आप सभी को पता है कन्या राशि है, बुद्ध की राशि है कन्या। कन्या राशि का भी बहुत प्रबल योग बन रहा है विवाह का, कन्या राशि वालों की विवाह होंगे होना कहेंगे ये गोचर के अनुसार है। ये इतना क्लियर नहीं है, इतना कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म जानने के लिए कब शादी होगी, कौन सी दिशा में शादी होगी, आपको लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, तो उसके लिए आप हमसे पर्सनल संपर्क कर सकते हो, हम तभी आपको बता पाएंगे। दो राशि होंगी, तीन राशि, तीसरी राशि की अगर हम बात करें तो आपकी वृषभ राशि है, वृषभ राशि का भी बहुत प्रबल योग है शादी का, ठीक है वृषभ राशि। अब हम बात करते हैं चौथी राशि कौन सी है, चौथी राशि तो मकर राशि है, शनि की राशि है, इनका भी बहुत अच्छा योग है। अगर आपके घर वाले प्रयासरत हैं, आप प्रयासरत हैं, आप लायक हैं तो आपकी शादी होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, कुंडली में दोष नहीं होना चाहिए तो ठीक है। चार राशियाँ होंगी, पाँचवीं राशि की अगर हम बात करें, पाँचवीं राशि का भी योग बन रहा है, पाँचवीं राशि है कर्क राशि, कर्क राशि के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि का भी बहुत प्रबल योग है, अगर वृश्चिक राशि वाले भी प्रयासरत हैं तो वृश्चिक राशि वालों की भी शादी होगी, ठीक है। 2022 में जो हमने समय बताया है 2022 और 23 के स्टार्टिंग में बहुत प्रबल आपके लिए समय है विवाह का। अब हम बात कर लेते हैं जिन लोगों की विवाह टूट गए हैं, उन भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप दुखी मत होइए, ईश्वर कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा करने वाले हैं। आप कहीं गलत जगह फंस जाते तो आपकी पूरी ज़िंदगी आपको रोना पड़ता और एक कलंक लग जाता आपके ऊपर अगर आप छोड़ के आते, तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको बचा लिया है कलंक लगने से, ठीक है ना। तो आप दुखी मत होना, ईश्वर आपके लिए अच्छा ही करेंगे, और आप पूजा पाठ करते रहना। जो दर्शक कई लोग ऐसे होते हैं ना कि थोड़ा सा कमाने लग जाते हैं, पैकेज अच्छे हो जाते हैं, तो वो सबसे पहले भगवान को भूलते हैं, ये बहुत गलत बात है। हमारे परिचय में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी डेली की इनकम 1 करोड़ भी हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो पूजा पाठ बहुत करते हैं तभी वो आज सक्सेस हैं, और उनके बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जगह पर अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं लेकिन वो कभी भगवान को नहीं भूलते हैं। और आजकल जो नॉर्मल व्यक्ति रहते हैं उनका अगर 30-40 लाख का भी पैकेज हो गया है तो वो सबसे पहले क्या काम करते हैं, भगवान को भूलना, जो कि बिल्कुल गलत होता है। आप भगवान को भूलेंगे, भगवान आपको भूलेंगे, तो आप फिर ऐसे ही भटकते रहोगे जीवन में। तो आप लोगों को भगवान से जुड़े रहना है, भगवान का पूजा पाठ करते रहना है, उससे आपका मन भी अच्छा रहता है। आप भगवान से विमुख होंगे या ऐसी बात है आपका मन दुखी रहेगा, तो आप लोगों को भगवान से विमुख नहीं होना है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट करके मुझे आप जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री राधे।